हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत शानदार यहाँ पे एक परफेक्ट बजट पीसी जो कि है एमडी राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कॉस्ट है 35,000 रुपये, 35,000 का यहाँ पे हम एक सीपीयू बिल्ड करेंगे जो कि मैंने स्पेशली बनाया है एडिटिंग के लिए और शेयर मार्केट के काम के लिए। मेरे कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि उनको एक पीसी चाहिए, वो शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनको दो मॉनिटर डुअल मॉनिटर इस पीसी पे चलाना है। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके यहाँ पे दिया। दोस्तों, आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आपका बजट 30 से 35 हज़ार रुपये तक है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट रहेगा ये इस बजट के अंदर एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एमडी की तरफ से आने वाला R5 3400G। एमडी का Ryzen 5 3400G हमने यहाँ पे सीपीयू इस्तेमाल किया है जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है और इसके अंदर 2 GB वेगा 11 ग्राफिक्स रहता है, 2 GB के समथिंग में इसमें एमडी का ग्राफिक्स रहता है जो कि एकदम परफेक्ट रहता है बजट गेमर्स के लिए, एकदम परफेक्ट ये काम करता है। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप कोई बजट गेमिंग पीसी बनाना है जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना है तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 14,500 रुपये, 14,500 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है MSI की तरफ से आने वाला A320A Pro Max, जो कि एक एंट्री लेवल का A320 चिपसेट का बजट गेमिंग मदरबोर्ड रहता है MSI की तरफ से और 4 कोर के प्रोसेसर के लिए एकदम परफेक्ट यह रहता है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4700 रुपीज़, 4700 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है HyperX Fusion की तरफ से आने वाली 8+8 में 16GB 3000 MHz की, 8+8 में 16GB की 3000 MHz की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जो कि बहुत बढ़िया रहती है, काफ़ी रहती है, सफिशिएंट रहती है। 16GB रैम काफ़ी रहती है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। और वैसे भी यहाँ पे जो हमने सीपीयू इस्तेमाल किया इसके अंदर 8+8 की जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये, 7,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एचेस्टर की तरफ से आने वाली 240GB की 240GB की M.2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, सफिशिएंट रहेगी इस बिल्ड के लिए। यहाँ पे कस्टमर ने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कस्टमर की ज़्यादा नीड नहीं थी, उन्हें कोई स्टोरेज नहीं चाहिए था, तो उन्होंने सिर्फ 240GB की SSD यहाँ पे लगा ली है। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 450W का, 450W का एक बजट गेमिंग SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि इस तरह के बिल्ड के लिए सफिशिएंट रहता है, 450W बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,000 रुपये, 3,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइलोन एक गेमिंग केस इस्तेमाल किया जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है। तो बहुत बढ़िया बजट गेमिंग केस रहता है एरोकूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपीज़, 3,300 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हम इस पे कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों।
200। तो दोस्तों जैसे कि हमने देख लिया है, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया बना है, बहुत शानदार ये लग रहा है।
इसमें जो हमने कैबिनेट इस्तेमाल किया वो एक बहुत ही शानदार कैबिनेट बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया जो कि बहुत बढ़िया लगता है। इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि पूरी तरह से RGB रहती है और कई तरह के इसमें RGB मोड्स रहते हैं और ये साइड से ट्रांसपेरेंट भी रहता है, तो बहुत बढ़िया ये दिख रहा है। वहीं अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने सारे के सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं। प्रोसेसर भी हमने जो है वेगा ग्राफिक्स वाला इस्तेमाल किया है, साथ ही हमने जो बोर्ड है A320 चिपसेट का MSI का इस्तेमाल किया जो कि सबसे बेस्ट मदरबोर्ड रहता है A320 चिपसेट का और सबसे ज़्यादा बिकता है। और मेनली यहाँ पे हमने रैम 16 GB इस्तेमाल की जो कि 8+8 के कॉम्बिनेशन में हमने इस्तेमाल किए जो कि इस कॉम्बिनेशन के साथ में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, जिस काम के लिए हमने PC बनाया था वो काम एकदम परफेक्ट हो रहा है। कस्टमर ने इस पर 2 मॉनिटर लगा लिए हैं जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं अगर गेमिंग की बात करते हैं तो हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए हैं, बहुत अच्छे हमें FPS इस पर मिल रहे हैं। अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो आप इस PC का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में आपकी स्मूथली रेंडरिंग करा देगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 14,500 रुपये, 14,500 में प्रोसेसर आपको मिल जाता है। जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,700 रुपीज़, 4,700 में मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये, 7,000 में रैम आपको मिल जाती है। जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाती है। जो गेमिंग केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपये, 3,300 में केस आपको मिल जाता है। जो पावर सप्लाई हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये, 3,000 में SMPS आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU बन के कम्प्लीट हुआ है वो 35,000 रुपये में, 35,000 में यहाँ पे हमने बहुत ही शानदार एक बजट गेमिंग PC या बजट एडिटिंग का PC बनाया है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस PC का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए कर सकते हैं, गेमिंग के लिए आप इस PC का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर मार्केट के लिए तो हमने ये PC बनाया है। आप चाहे तो इस PC का इस्तेमाल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, या आप चाहे तो अगर YouTube के वीडियोस बनाते हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उन सब कामों के लिए भी ये PC एकदम परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई PC बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग PC, कोई वीडियो एडिटिंग PC या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला PC परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के PC का ऑर्डर हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं PC बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।